संसार में प्रचलित सभी धर्म गीता की दूरस्थ प्रतिध्वनि मात्र है। भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, गुरु नानक, कबीर इत्यादि के श्रद्धापूरित तप सिद्धांतों की उच्चतम अभिव्यक्ति गीता है। गीता के वे ही कैसेट सुमन आप सबके समक्ष आत्मदर्शनार्थ प्रस्तुत हैं। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमोध्यायः। गत अध्यायों में गीता के मुख्य मुख्य प्रायः सभी प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म और यज्ञ का स्वरूप और उसकी विधि, योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम तथा अवतार वर्ण संकर सनातन आत्मस्थित महापुरुष के लिए भी लोकहितार्थ कर्म करने पर बल, युद्ध इत्यादि पर विशद चर्चा की गई। अगले अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हीं से संदर्भित अनेक पूरक प्रश्नों को लिया है, जिनका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध होगा। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया कि जो योगी मद्गतेनांतरात्मना, मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला है, उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूं। परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है, लेश मात्र भी कसर न रह जाए, ऐसी अवस्था कब आएगी? संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी, कब होती है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच। मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पार्थ, तू मुझ में आसक्त हुए मन वाला बाहरी नहीं अपितु मदाश्रय अर्थात मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, छोड़कर नहीं, मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन, जिसे जानने के पश्चात लेश मात्र भी संशय न रह जाए। विभूतियों की उस समग्र जानकारी पर पुनः बल देते हैं। ज्ञानं तेहं सविज्ञानं इदं वक्षाम्यशेषतः यज्ज्ञात्वानेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है वो विज्ञान है। कैसे वो प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, किस प्रकार वो उठाता बैठाता और प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय करा लेता है, उनकी इस कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसे जानकर सुनकर नहीं, संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। मानने वालों की संख्या बहुत कम है। ज्ञानं
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई विरला ही पुरुष मुझे तत्व अर्थात साक्षात्कार के साथ जानता है। अब समग्र तत्व है कहां? एक स्थान पर पिंड रूप में है अथवा सर्वत्र व्याप्त है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे ये आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। ये अष्टधा मूल प्रकृति है। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे परा जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। इयम अर्थात ये आठ प्रकारों वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात जड़ प्रकृति है। महाबाहु अर्जुन, इससे दूसरी को जीव रूप परा अर्थात चेतना प्रकृति जान, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, वो है जीवात्मा। जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण वो भी प्रकृति ही है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्जुन, ऐसा समझ के संपूर्ण भूत एतद्योनीनि इन महाप्रकृतियों से परा और अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। यही दोनों एकमात्र योनि हैं। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं अर्थात मूल कारण हूं। जगत की उत्पत्ति मुझसे है और प्रलय अर्थात विलय भी मुझ में है। जब तक प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूं और जब कोई महापुरुष प्रकृति का पार पा लेता है तब मैं ही महाप्रलय भी हूं जो अनुभव में आता है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न को मानव समाज ने कौतूहल से देखा है। विश्व के अनेक शास्त्रों में इसे किसी न किसी तरह समझने का प्रयास चला आ रहा है। कोई कहता है प्रलय में संसार डूब जाता है, तो किसी के अनुसार सूर्य इतना नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है। कोई इसी को कयामत कहता है कि इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है, तो कोई नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय की गणना में व्यस्त है। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है, परिवर्तन होते रहे हैं किंतु ये नष्ट कभी नहीं हुई। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु ने प्रलय देखा था। इसके साथ 11 ऋषियों ने मत्स्य की सींग में नाव बांधकर हिमालय के एक उत्तुंग शिखर की शरण ली थी। लीलाकार श्री कृष्ण के उपदेशों एवं जीवन से संबंधित उनके समकालीन शास्त्र भागवत में मृकंड मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी द्वारा प्रलय का आंखों देखा हाल प्रस्तुत है। वे हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के किनारे रहते थे। भागवत के द्वादश स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय के अनुसार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में वट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए थे, किंतु वे तो हमारे ही वंश के थे और हमसे कुछ ही समय पूर्व हुए थे।
उनके जन्म के बाद न तो कोई प्रलय हुआ और न ही सृष्टि ही डूबी, सब कुछ यथावत है। तब उन्होंने कैसा प्रलय देखा? सूत जी ने बताया कि मार्कंडेय जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं आपकी वो माया देखना चाहता हूं जिससे प्रेरित होकर ये आत्मा अनंत योनियों में भ्रमण करता है। भगवान ने स्वीकार किया और एक दिन जब मुनि अपने आश्रम में भगवान के चिंतन में तन्मय हो रहे थे, तब उन्हें दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र उमड़कर उनके ऊपर आ रहा है। उसमें मगर छलांगे लगा रहे थे, उनकी चपेट में ऋषि मार्कंडेय भी आ रहे थे। वे इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, स्वर्ग, ज्योतिष मंडल सभी उस समुद्र में डूब गए। इतने में मार्कंडेय जी को एक बरगद का पेड़ और उसके पत्ते पर एक शिशु दिखाई दिया। श्वास के साथ मार्कंडेय जी भी उस शिशु के उदर में चले गए और अपना आश्रम, सूर्य मंडल सहित सृष्टि को जीवित पाया और पुनः श्वास के साथ उस शिशु के उदर से वे बाहर आ गए। नेत्र खुलने पर मार्कंडेय ने अपने को उसी आश्रम में अपने ही आसन पर पाया। स्पष्ट है कि करोड़ों वर्ष के भजन के पश्चात उन मुनि ने ईश्वरीय दृश्य को अपने हृदय में देखा, अनुभव में देखा। बाहर सब कुछ ज्यों का त्यों था। अतः प्रलय योगी के हृदय में ईश्वर से मिलने वाली अनुभूति है। भजन की पूर्ति काल में योगी के हृदय में संसार का प्रवाह मिटकर अव्यक्त परमात्मा ही शेष बचता है, यही प्रलय है। बाहर प्रलय नहीं होता। महाप्रलय शरीर रहते ही अद्वैत की अनिर्वचनीय स्थिति है, ये क्रियात्मक है। केवल बुद्धि से निर्णय लेने वाले भ्रम का ही सृजन करते हैं, चाहे हम हों या आप। इसी पर आगे देखें। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणाइव। धनंजय, मेरे सिवाय किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। है तो, परंतु जानेंगे कब? जब इस अध्याय के प्रथम श्लोक के अनुसार अनन्यासक्ति अर्थात भक्ति से मेरे परायण होकर योग में उसी रूप से लग जाए। इसके बिना नहीं, योग में लगना आवश्यक है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषम ऋषु। कौन्ते, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूं। ओ धन, अहम धनकार, स्वयं का आकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूं, तथा मैं पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं, संपूर्ण जीवों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में उनका तप हूं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। पार्थ, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं।
इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना और आसक्ति रहित बल हूं। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं, कोई दंड बैठक लगाता है, कोई परमाणु इकट्ठा करता है, किंतु नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि काम और राग से परे जो बल है वो मैं हूं, वही वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूं। परब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए है, जो शाश्वत आत्मा है वही धर्म है, जो उससे अविरोध रखने वाली कामना है मैं हूं। आगे भी श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर, सब कामनाएं तो वर्जित हैं, किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे, ऐसी कामना भी मेरी ही देन है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है, क्योंकि न मैं उनमें खोया हूं और न वे ही मुझ में प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि मुझे कर्म से स्पृहा नहीं है, मैं निर्लेप हूं, मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न अथवा जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है, परमात्मा उसके गुण और कार्यों से निर्लेप रहता है। त्रिभिर् गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमौ व्ययम्। सात्विक, राजस और तामस, इन तीन गुणों के कार्य रूप भावों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है, इसलिए लोग इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। मैं इन तीनों गुणों से परे हूं, अर्थात जब तक अंश मात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है तब तक कोई मुझे नहीं जानता, उसे अभी चलना है, वो राही है। और दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतांतरन्तिते। ये त्रिगुणातीत मेरी अद्भुत माया दुस्तर है, किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का पार पा जाते हैं। ये माया है तो दैवी, परंतु अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा न करने लगे, इससे पार पाना है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। जो मुझे निरंतर भजते हैं वे जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते। माया द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम काम क्रोधादि दुष्कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते।
तो बजता कौन है? चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिनः उत्तम अर्थात नियत कर्म अर्थात जिसके परिणाम में श्रेय की प्राप्ति हो उसको करने वाले, अर्थार्थी अर्थात सकाम, आर्तः अर्थात दुख से छूटने की इच्छा वाले, जिज्ञासु अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा वाले और ज्ञानी अर्थात जो प्रवेश की स्थिति में है, इन चारों प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। अर्थ वो वस्तु है जिससे हमारे शरीर अथवा संबंधों की पूर्ति हो, इसलिए अर्थ कामनाएं सब कुछ पहले तो भगवान द्वारा पूर्ण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पूर्ण करता हूं, किंतु इतना ही वास्तविक अर्थ नहीं है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यही अर्थ है। सांसारिक अर्थ की पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ आत्मिक संपत्ति की ओर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतने ही से मेरा भक्त सुखी नहीं होगा, इसलिए वे आत्मिक संपत्ति भी उसे देने लगते हैं। लोक लाहु परलोक निबाहु, लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह, ये दोनों भगवान की वस्तु हैं। अपने भक्त को खाली नहीं छोड़ते। आर्थ जो दुखी हो, जिज्ञासु समग्रता से जानने की इच्छा वाले, जिज्ञासु मुझे भजते हैं। साधना की परिपक्व अवस्था में दिग्दर्शन अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन की अवस्था वाले ज्ञानी भी मुझे भजते हैं। इस प्रकार चार प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, जिनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है अर्थात ज्ञानी भी भक्त ही है। इन सब में भी तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः। अर्जुन, उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है, क्योंकि साक्षात्कार के सहित जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। वो ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं, कौन सी उदारता कर दी? क्या आपकी भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया? नहीं, वस्तुतः वही उदार है जो अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, जो उसके उद्धार के लिए अग्रसर है। इस प्रकार ये सब उदार हैं। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि वो स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है, अर्थात वो मैं हूं, वो मुझ में है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, प्राप्ति वाले जन्म में, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है। वो महात्मा अति दुर्लभ है।
वो किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता, बल्कि अपने भीतर ही उस परम देव का वास पाता है। उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं। इन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ है। जब श्रेय और प्रेय अर्थात मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए, फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते। क्यों? श्री कृष्ण के ही शब्दों में, कामैस्तैस्तैर्हित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। वो तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते, क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों का विवेक अपहरण कर लिया गया है। इसलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं। यहां अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसी ही देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। मैं स्थिर करता हूं, क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वो देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान्वितान्। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है और उस देवता के माध्यम से मेरे ही द्वारा निर्मित उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। भोग कौन देता है? मैं ही देता हूं। उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग, न कि किसी देवता की देन। किंतु वो फल तो पा ही लेता है, फिर इसमें बुराई क्या है? इस पर कहते हैं, अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है। आज फल है तो भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात देवता भी नाशवान है। देवताओं से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील और मरण धर्मा है। मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, जो अव्यक्त है, नैष्ठिकीम परम शांति पाता है। देवता हृदय के अंतराल में परम देव परमात्मा के देवत्व को अर्जित कराने वाले सद्गुणों का नाम है। थी तो ये अंदर की वस्तु, किंतु कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। मूर्तियां गढ़ ली, कर्म कांड रच डाले और वास्तविकता से दूर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण उपर्युक्त चार श्लोकों में किया। गीता में पहली बार अन्य देवताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि देवता होते ही नहीं, लोगों की श्रद्धा जहां झुकती है वहां मैं ही खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं और मैं ही वहां फल भी देता हूं। वो फल भी नश्वर है, फल नष्ट हो जाते हैं,
देवता नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को पूजने वाला भी नष्ट हो जाता है। जिनका विवेक नष्ट हो गया है वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। श्री कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने का विधान ही अयुक्ति संगत है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता है वो भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष अर्थात कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है वे मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए वे मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे। जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो उन्हें योगेश्वर कहते हैं। साधना के सही दौर में पढ़कर क्रमशः उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। शरीरधारी होते हुए भी वे उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, फिर भी कामनाओं से विवश मंद बुद्धि के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी ही तरह तो ये भी पैदा हुए हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। उन बेचारों का दोष भी क्या है, दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही दिखाई पड़ता है, वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण से ही सुने। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा है। योग साधना समझकर वो इसमें प्रवृत्त होता है, इसके पश्चात योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है। योग का अनुष्ठान करते करते उसकी पराकाष्ठा योगारूढ़ता आ जाने पर वो छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है। योगेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूं, केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं, मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। इसलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अर्थात जिसे अब जन्म नहीं लेना है, अविनाशी अर्थात जिसका नाश नहीं होना है, अव्यक्त स्वरूप अर्थात जिसे पुनः व्यक्त नहीं होना है को नहीं जानता। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानता था। आगे उन्होंने दृष्टि दिया तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्रायः अंधे ही हैं। आगे कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन। अर्जुन, मैं अतीत वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जान पाता? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई जानेगा ही नहीं?
योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। परंतु पुण्य कर्म अर्थात जो संस्कृति का अंत करने वाला है, जिसका नाम कार्यम कर्म, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया कहकर बारंबार समझाया है, उस कर्म को करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से भली प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रहकर मुझे भजते हैं। किस लिए भजते हैं? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, और इसी क्रम में साधि भूताधि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले वे पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। 26वें 27वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि वे मोहग्रस्त हैं, किंतु जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अधिभूत, संपूर्ण अधिदैव और संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं, अर्थात इन सब का परिणाम मैं अर्थात सद्गुरु हूं, वही मुझे जानता है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। निष्कर्ष। इस 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है, वह समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वालों में विरला ही कोई जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त देखता है। 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और इसके अंतराल में जीव रूप मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल मेरे ही द्वारा है। राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं ही हूं। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित हैं, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर, ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है। केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना है। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तीनों गुणों से अतीत हूं, परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूं, किंतु भोगासक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहां देवता नाम का कोई है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़, जिसको भी वे पूजना चाहते हैं, उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूं, उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूं, क्योंकि न वहां कोई देवता है, न किसी देवता के पास कोई भोग ही है। लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं बचते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढका हुआ हूं। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझ शरीरधारी को भी अव्यक्त रूप में जानते हैं, अन्य स्थितियों में नहीं। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी।
चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जान सकते, किंतु राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म अर्थात जिसे संक्षेप में आराधना कह सकते हैं का चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण अधिदैव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। वे मुझ में प्रवेश करते हैं और अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे समग्र बोधानाम सप्तमोध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्।